बीबीसी इंडिया की बड़ी मुश्किलें, बीबीसी इंडिया के खिलाफ कार्रवाई, ईडी ने बीबीसी पर किया केस दर्ज। पिछले दिनों दिल्ली समेत कई बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग ने सर्वे की कार्रवाई की थी और अब प्रवर्तन निदेशालय ने बीबीसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बीबीसी के ऊपर विदेशी फंडिंग में अनियमितताओं के आरोप हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीबीसी जांच एजेंसियों के रडार पर है। इससे पहले फरवरी के महीने में ही आयकर विभाग ने दिल्ली सहित देश के कई शहरों में बीबीसी के दफ्तरों में सर्वे किया था। ये सर्वे कुल 60 घंटों तक चला था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर 3 दिन तक छापेमारी की थी। ये छापेमारी ऐसे वक्त की गई थी जब देश में बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल मचा था। ऐसे में कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को बीबीसी की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ा था। आयकर अधिकारियों ने कहा था कि बीबीसी समूह की विभिन्न संस्थाओं द्वारा दिखाई गई आय और लाभ भारत में उनके संचालन के पैमाने के अनुरूप नहीं थे। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि बीबीसी इंडिया की तरफ से कर का भुगतान नहीं किया गया। आयकर विभाग ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा था कि वो FDI उल्लंघन के एक मामले में बीबीसी की जांच करेंगे। केस दर्ज करते ही ईडी ने फेमा के नियमों के हिसाब से बीबीसी के कुछ अधिकारियों को दस्तावेज और बयान दर्ज करने के लिए कहा है। वहीं इस मामले में बीबीसी की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। बता दें कि बीबीसी विवादों में उस वक्त घिरा था जब उसने गुजरात दंगों और उस समय राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस डॉक्यूमेंट्री पर काफी विवाद हुआ था और सरकार ने इसे YouTube समेत सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए थे। गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री को लेकर बीबीसी विवादों में घिरी थी। केंद्र सरकार ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये औपनिवेशिक मानसिकता से प्रेरित और गुमराह करने वाला है। वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डॉक्यूमेंट्री का लिंक साझा करने वाले सभी YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्टों को ब्लॉक करने का निर्देश जारी किया था। आपको बता दें कि साल 2000 में देशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 2000 यानी फेमा लाया गया था। इसके उद्देश्य भारत में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना था। विदेशी पूंजी और निवेश को देश में बढ़ावा देना है ताकि औद्योगिक विकास और निर्यात को अच्छी प्रगति मिल सके। ये भारत में विदेशी मुद्रा में प्रोत्साहन का काम करता है और नागरिक को विदेश में संपत्ति अर्जित करने का सुरक्षित विकल्प देता है। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।